पुलिस जब पकड़ाधारी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। इसी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एकाध दुगो विशाल जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। क्या एक खास जाति को टारगेट कर जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को अपने रडार पर ले रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। देखिए, नवादा में जो कुछ भी हुआ था उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। किस तरीके से वहां पर दलित जाति के लगभग 2 दर्जनों घरों को जला दिया जाता है, ऐसे में हम आपको बता दें तो इसको लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। पक्ष एक तरफ है जहां पर जमीन को लेकर जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष वाले इसमें भी बिहार सरकार को अपने निशाने पर साध रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें तो जीतन राम मांझी एक बयान देते हैं जिसको लेकर कहे तो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को इनडायरेक्ट वे में अपने रडार पर ले रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि यादव ने पैसे दिए पासवानों को कि वो दलित के घरों को जलाए। अब ऐसे में इसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को कहे तो टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर जाति को लेकर, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया। अब आप सुनिए किस तरीके से जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं बकायदा कि किस तरीके से यादवों ने पैसे दिए थे पासवानों को कि दलित के घरों को जला दिया जाए। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं, दुसाद जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एकाध दुगो दुसाद जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ाधारी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित मांझी दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। तो आपने सुना जीतन राम मांझी के इस बयान को। अब इसके अलावा हम आपको बताएं तो लगातार जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो एक एक करके यही बयान दे रहे हैं कि नवादा जाएंगे और पूरी जांच पड़ताल करेंगे और मामले का जायजा लेंगे। ऐसे में हम आपको बता दें तो चाहे वो पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, विपक्ष अलग ही खेला कर रही है बिहार में। इससे में चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने भी साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई है और जिसको लेकर वो नवादा जाएंगे। नवादा जाने के बाद वो खुद पूरे मामले का जांच पड़ताल करेंगे और साथ ही साथ जो भी आरोपी होगा बिहार सरकार की ओर से उसे दंड दिया जाएगा। ऐसे में हम आपको बता दें तो जीतन राम मांझी के बयान को लेकर फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि उन्होंने यादवों को लेकर एक बयान दे दिया है और यादव बिहार में कहे तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने इनडायरेक्ट वे में टारगेट किया है। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से नवादा में हुआ उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं बात छिड़ गई है और जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो यही बयान दे रहे हैं कि वो नवादा जाएंगे और पूरे मामले का जायजा देंगे। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।